हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतूस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं पांच सीक्रेट ट्रिक्स की जो आपको 100% प्रोफिशिएंट बना देंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो वो कौन से ऐसे पांच सीक्रेट्स हैं, वो कौन से ऐसे पांच हैक्स हैं जिनसे आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रो बन सकते हो, है ना। सो इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, भैया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ना हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, ट्रिग्नोमेट्री की चीजें हमसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो यार बात करते हैं आज के इस सेशन में कि किस तरीके से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं हैक्स बताऊंगा, आपको बस वही चीज फॉलो करनी है। सो लेट्स हैव अ लुक गाइस एंड लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, है ना। तो यार सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, मेक श्योर सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तभी आपको सही टाइम पे सही जानकारी मिले, ठीक है। देखो यार सबसे पहली चीज क्या है आप लोगों के पास, सबसे पहली चीज जो है आप लोगों के पास वो ये है कि जो भी आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो भी मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री की कहानी शुरू होती है, आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री की कहानी किसमें हम सुनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। तो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, है ना, अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। अब उस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास सबसे पहली टर्म आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये रेशियो बेसिकली होता क्या है, जो एंगल होता है और जो साइड होती है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उस चीज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंगल के सामने वाला जो है वो होता है परपेंडिकुलर, एंगल के बाजू वाला जो होता है वो होता है बेस, एंड इसके 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, वो होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब उसके बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए। आप लोगों को पता है पहला जो रेशियो हमारे पास होता है साइन थीटा होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमारे पास होता है कॉस थीटा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर होता है टैन थीटा, वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। फिर हमारे पास कॉसेक थीटा होता है, वो साइन का कन्वर्स होता है और रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड थीटा होता है, वो होता है बेटा परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर हमारे पास क्या होता है, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है हमारे पास क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए। इनके अलावा आपको पता है कि साइन और कॉसेक जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, है ना। इस तरीके से ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टैन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, वन अपॉन कॉट थीटा। इसके अलावा टैन और कॉट की एक और कहानी होती है, टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूलेज सारे याद होने चाहिए। फॉर्मूले आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में इन फॉर्मूलोज की समझ होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा आपके पास तीन आइडेंटिटीज होती है, पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, दूसरी आइडेंटिटी होती है आपके पास वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी होती है आप लोगों के पास वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये तीन आइडेंटिटी होती है आप लोगों के पास, और ये कुछ रेशोज होते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप लोग समझो सबसे पहले अच्छे से, इन सभी को रिवाइज कर लो, है ना। सबसे पहले इन सभी फॉर्मूलोज को एक शीट पे लिख के रिवाइज कर लो। उसके बाद दूसरी चीज आती है, आपको एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए क्या वैल्यूज होती है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है क्या, कि साइन थीटा का सबसे पहले हम पढ़ते हैं 0 डिग्री पे, फिर हम पढ़ते हैं 30 डिग्री पे, फिर हम पढ़ते हैं 45 डिग्री पे, फिर हम पढ़ते हैं बेटा 60 डिग्री पे, और लास्ट में हम पढ़ते हैं 90 डिग्री पे। सबसे पहले आप 0 से लेके 4 तक नंबर लिख लो, 0, 1, 2, 3 और 4, है ना। फिर इनको 4 से डिवाइड कर दो,
फिर इनको 4 से डिवाइड कर दो, फिर इनको 4 से डिवाइड कर दो, फिर इनको 4 से डिवाइड कर दो और इनको 4 से डिवाइड कर दो। तो ये 0 इनका फिर क्या कर लो, अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो और स्क्वायर रूट ले लो। 0 अपॉन 4 क्या हो जाता है, आपके पास 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 अपॉन 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 का 1 होता है और 4 का सॉरी 2 का अंडर रूट होता है 2, 3 का अंडर रूट होता है आप लोगों के पास अंडर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है आप लोगों के पास 2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज हो जाती है, ये इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हो जाती है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा की ट्रिक क्या होती है कि जो भी ये है इसको रिवर्स गियर में डाल दो, 1 फिर रूट 3 बाई 2 फिर 1 बाई रूट 2 फिर 1 बाई 2 और फिर 0, है ना। फिर tan थीटा की बात करते हैं, अगर हम tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos, 0 अपॉन 1 कितना हो जाता है 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1 अपॉन रूट 3, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे रूट 3, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर उसी तरीके से बेटा cosec थीटा जो होता है वो sin का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये यहां पे 0 अपॉन 1 है तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइन हो जाता है। 1 अपॉन 2 है तो 2 अपॉन 1 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो रूट 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा secant थीटा, तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन रूट 2 आप लोगों के पास रूट 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 आप लोगों के पास 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 आप लोगों के पास नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों के पास आ जाता है बेटा क्या क्या नाम है इसका, cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा आप लोगों के पास क्या है नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है। फिर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा इसका नॉट डिफाइन है ना cot थीटा, तो cot थीटा क्या हाँ सही तो कर रहे हैं 1 अपॉन नॉट डिफाइन, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो रूट 3 हो जाएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 हो जाएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, और नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है 1 अपॉन 0, इसका रेसिप्रोकल करोगे 0 ऊपर 1 नीचे तो ये 0 हो जाएगा। बस इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। आ जाओ फिर उसके बाद अब आते हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। देखो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में ना जब भी आपके पास चीजें होंगी एक होगा LHS और एक होगा RHS, है ना। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, LHS से भी शुरुआत कर सकते हो, RHS से भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास ये है, जैसे मान लो आपके पास ये है तो आप LHS और RHS, ये LHS में है आपके पास और ये क्या है RHS में है। तो अगर मैं आपको बोलूं आप कहां से शुरुआत, कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर सकते हो, आप कहीं से भी स्टार्ट करो। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जहां पे कॉम्प्लेक्स साइड है, कॉम्प्लेक्स साइड मतलब जहां पे बहुत सारी टर्म्स हैं, जहां पे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिए गए हैं, ये दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत सारे, तो आप कोशिश करो कि वहीं से शुरुआत करो अपने क्वेश्चन की और फिर उससे LHS को प्रूफ कर दो। या अगर LHS में कॉम्प्लेक्स, जरूरी नहीं है सिर्फ LHS से ही शुरुआत करनी है, आप RHS से भी कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से शुरुआत करना, आप दोनों तरफ से शुरुआत कर सकते हो, बीच में किसी वैल्यू पे आके आप दोनों को बीच की वैल्यू के इक्वल प्रूफ कर सकते हो, है ना। पर कोशिश ये करो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में कि जो कॉम्प्लेक्स साइड है आप वहां से शुरुआत करो, वहां से शुरुआत करो। तो इस वाले क्वेश्चन में आप कहां से शुरुआत करोगे, RHS से शुरुआत करो, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास रेशनलाइजेशन वाले जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन आप लोगों के पास बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाले क्वेश्चन, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं या इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, अब इनका फंडा बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लो अगर मेरे पास होता 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4, ये होता 3 अपॉन 5 होता, कैसे करते, एलसीएम लेके करते ना, इसको इधर, है ना, या फिर अगर अंडर रूट वाला है तो उनको रेशनलाइज कर दिया, या फिर इस तरीके से मतलब एलसीएम लेके इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर, यही तो करेंगे इसमें। इसके साथ साथ आप लोगों को जितनी भी एलजेब्रिक आइडेंटिटी है,
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो याद होनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। तो आप क्या करो, यहां से शुरुआत करो। सबसे पहले रेशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम लेते ना, फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो आप उस कॉन्सेप्ट का यूज करो और इनको एलसीएम वगैरह लेके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको कहीं बीच में आपका एलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगेगी, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके की चीजें लगेंगी, तो वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए वो ये है कि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कोई भी आ जाए आपके पास, अगर आपको उस क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आपने पहली बार कोई क्वेश्चन देख लिया अपने एग्जाम में, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कुछ नहीं करना, जितने भी आपके एक्सप्रेशन होंगे उनको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो। आपको पता है अगर पहले से साइन थीटा होगा तो वो तो फिर सही है, पहले से कॉस थीटा होगा सही है, कॉसिक थीटा होगा तो उसको कैसे लिखना है, 1/sin θ लिखना है, सीकेंट थीटा होगा तो उसको कैसे लिखना है, 1/cos θ लिख देना, टैन थीटा है तो क्या लिखना है, 1/sin/cos θ लिख देना, है ना। यानी कि जो आपका जहां पे भी आप सॉल्व कर रहे हो चीजों को, तो वहां पे साइन और कॉस के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको, cot θ/sin θ, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपने क्वेश्चंस में देखनी है, समझ गए। साइन और कॉस में अगर आप चीजों को कन्वर्ट कर देते हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए आपका क्वेश्चन, बट ट्रस्ट भी बहुत ईजी रहेगा। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आप जो आपका एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट होगा वो लगेगा मोस्ट प्रोबेबली, कि एलसीएम फ्रैक्शंस बनेंगे आपके पास, तो उन फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर आइडेंटिटीज लगा के, फिर आपको वो फिगर आउट करना है कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूं। जैसे ये है साइन थीटा पहले से है, सीकेंट थीटा इसको कॉस में कन्वर्ट करो, इसको साइन अपॉन कॉस में करो, इसको 1/sin, इसको कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करो, इस तरीके से इसको सॉल्व करना आपको, समझ गए, ठीक है जी। चल फिर आखिरी में आप लोगों के पास एक बोनस टिप ये है कि कोई भी अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है प्रूविंग वाले क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसमें यूज होती है, तो उन प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लोगे कि अगर आपके पास कोई भी प्रूविंग वाला सवाल आता है, चाहे वो ट्रायंगल से हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री से हो, चाहे वो सर्कल से हो, किसी भी चैप्टर से अगर आप लोगों के पास कोई प्रूविंग वाला सवाल आता है, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, मल्टीपल वेज है उसको करने का, ठीक है ना। अब वो आप जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे ना कि बहुत सारे तरीके, तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने मान लो किसी तरीके से करा है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं भैया आपको कैसे पता चला इस तरीके से हुआ है, है ना। तो वो आपके ऊपर भी है कि आप उसको किसी और तरीके से, क्योंकि देखो सिर्फ वही एक तरीका नहीं है, जब आप इस चीज को समझ जाओगे ना, सिर्फ वही एक तरीका नहीं है जो भैया ने बताया है, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, तो आपका दिमाग फिर चलने लगेगा कि हाँ यार चलो इसको इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। और कोशिश यही किया करो, अब तो खैर टाइम नहीं है, एग्जाम आ गए हैं, बट कोशिश यही किया करो कि जब आप करते थे या जब आप आगे करोगे कभी इस तरीके के सवाल, तो आप ये कोशिश करना एक सवाल को आप 2-3 तरीकों से करने की कोशिश करो। जब आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपका दिमाग और ज्यादा खुलेगा, जितना ज्यादा दिमाग खुलेगा उतना ज्यादा चलेगा फिर, ठीक है जी। तो ये चीज है, तो ये है फिर आफ्टर एवरी 1 or 2 step री एनालाइज योर अप्रोक्सीमेटी टू फाइनल डेस्टिनेशन वार्निंग, डू नॉट ट्राई टू प्रूव अ क्वेश्चन सेज टू सॉल्व, ठीक है। अगर डू नॉट ट्राई टू प्रूव अ क्वेश्चन दैट सेज सॉल्व, समझ रहे हो, जिसमें लिखा गया है सॉल्व, उसमें तो खैर सॉल्व भी करना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है बेसिकली, तो ये तो खैर बस सिंपल सी चीज है। अब यार अगर आप लोगों के प्री बोर्ड्स के जो एग्जाम हुए हैं या किसी के चल रहे और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के 95 प्लस मार्क्स आए, तो यार आप लोगों के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया विच इज द्रोणा बैच, जो कि 3rd of January से स्टार्ट हो चुका है, और इसमें हम आप लोगों को फुल सिलेबस कवर करवा रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज हम आप लोगों को कवर करवा रहे हैं।
जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इसी तरीके की स्ट्रैटेजी की प्रूविंग वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे करना है, कौन सी चीज कैसे करनी है, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो हम कैटर कर रहे हैं बाय अनम्यूटिंग और अनकैमिंग यू। यानी कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको इस बैच में मिलेंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं इस बैच में, है ना। और उसके अलावा आपको असाइनमेंट के लिए कुछ, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इतना कर लोगे तो आपके 95 प्लस मार्क्स गारंटेड आएंगे। आप बस ये लगभग 45 डेज तक का ये बैच है ना, जिसमें हमारे पास 60-70 सेशंस रहेंगे। अगर आप ये 60-70 सेशन हम लोगों के अटेंड कर लोगे तो आपके 95 प्लस मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली 95 प्लस मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब इस बैच की कुछ फीस है बेटा, क्योंकि ये वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन दी जाएगी। जो भी आपका डाउट्स होगा वो आपसे कम्युनिकेट करके सॉल्व किया जाएगा। तो इस बैच का कुछ प्राइस है, और आपको एक सेशन की फीस लगभग आपको 30-40 रुपए के आसपास पड़ेगी, है ना। और पूरे के पूरे 2 मंथ के कोर्स की अगर मैं बात करूं, जब तक ये बैच चलेगा, तो उसकी फीस है आप लोगों के पास 2500 रुपए। पहले ये जो बैच था 6000 का था, फिर हमने 3000 किया, और अब क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है, तो जो सेशंस आपके मिस हो गए हैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएगी। बाकी सेशंस आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो। अभी ज्यादा सेशन नहीं हुए, हर एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक एक सेशन ही हुआ होगा, तो अभी भी आपके पास टाइम है। 15th of January के बाद हम कोई भी एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा, हाफ ऑफ द सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से एनरोल कर लो इसमें, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग एनरोल कर सकते हो सिर्फ 2500 रुपए में। और पूरा का पूरा इसमें 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ मैथ्स नहीं, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा बेटा, अगर किसी को ये महंगा लगता है, तो आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वर्जन भी है। पिछले साल के पूरे सेशंस आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे, और उसका प्राइस है 1000 रुपए, है ना। तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यार, आप लोगों को पता है वेदांतु आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर दे रहा है, है ना, जो कि सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, दूसरा वाला, तो आप उस लिंक को एक्सेस कर सकते हो मॉक टेस्ट पेपर्स के लिए, है ना। मेक श्योर कि आप लोग मॉक टेस्ट पेपर जरूर ले, चाहे आप द्रोणा में हो या नहीं हो, वो सभी के लिए फ्री, ठीक है जी। सो ये सारी कहानी थी यार। उसके अलावा बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है, मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे चैनल से रिलेटेड, जितने भी नोट्स है जो हम यहाँ पे सेशन में करवा रहे हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइज। नाउ अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।